रेशो क्या है। ये यदि 2:1 का है, पैस के हमारा जो अभी टू आ रहे हैं और इधर हमारा जो डिफेंडर्स का जो है वन आ रहा है, तो वो रेशो ऐसा है कि भी वो जो हमारे कॉर्निवोर्स हैं उनसे आधे भी हैं तो भी वो नेचुरली जो उसको मैनेज कर देंगे, हमें जो है किसी केमिकल स्प्रे पे जाने की जरूरत नहीं है। जबकि हम जैसे सरदार जी ने कल कहा था, मैंने पूछा एक बिहारा तेला, इन्होंने ये देखे ही नहीं, एक तारा ले आओ जी, भाई ये तो देख लो पहले कॉर्निवोर्स की क्या सिचुएशन है हमारे फील्ड में। तो ये जो चीज है ये हमारा जो मैनेजमेंट में हेल्प कर लेंगे तो हम क्यों जाएं एक तारा के लिए। हाँ ये नहीं है और ये भी हमारा ETL को क्रॉस कर गया, तब तो हमें सोचना पड़ेगा, तब सोचना भी चाहिए क्योंकि हमारा इकोनॉमिक लॉस स्टार्ट हो गया है। ऐसे स्टेज पे तो हमें मैनेजमेंट का डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। वो क्या है कि भी हमारी जो स्टेज क्या है, सपोज करो वो 15 जुलाई से पहले आ गया तो 15 जुलाई से पहले हमें जो है केमिकल जो है नहीं जाना चाहिए, हमें नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड्स उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी ये पॉपुलेशन तो मैनेज हो जाए, उससे साथ में ये भी जो हमारे कॉर्निवोर्स हैं वो भी सेफ रहें, वो भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं। यदि केमिकल छिड़क दिया हमने इनको तो मार देंगे हम, ठीक है, पर इनसे पहले हमारे जो मित्र कीट या कॉर्निवोर्स जो इंसेक्ट वो जल्दी मरेंगे। लेकिन हमने नीम का छिड़क दिया तो वो नीम का क्या करेगा, इनको खाने से रोक देगा। और इन्होंने तो प्लांट पे लीफ तो पत्ता तो खाना ही नहीं था, इन्होंने तो इनको जो व्हाइट फ्लाई को खाना था या जो है अरे तेलों को खाना था। इसलिए नीम का पत्ता जो पत्ते पे प्लांट पे जो छिड़काव करा, इनको तो कोई नुकसान करेगा ही नहीं क्योंकि इनका भोजन तो ये है, ये अब भी जो सुरक्षित है। तो उस हिसाब से हम जो है इनको बचा पाएंगे और ये बच गए तो ये क्या करेंगे, खाली तो ये भी नहीं बैठेंगे, ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। और जब पॉपुलेशन इनकी बढ़ जाएगी मित्र कीटों की तो ये और अच्छे तरीके से हमारे जो हानिकारक कीटों को जो है कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए जो है वो स्टेज डिपेंड करती है कि भी हम जो है 15 जुलाई से पहले, इसीलिए जो है ये केमिकल का जो छिड़काव मना किया जाता है कि भी उस तक हमें कोई केमिकल नहीं छिड़कना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा के हिसाब से हमारा PD रेशो क्या है उसको ध्यान में रखा हमने, हमारी जो है फील्ड की कंडीशन क्या है उसको ध्यान में रखा, हमारा मौसम कैसा रहा उसको ध्यान में रखा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम जो यदि हम मैनेजमेंट का डिसीजन लेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट डिसीजन होगा मैनेजमेंट। वरना एक चीज़ को ही जो है सोच के हम तुरंत केमिकल के ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेरी फायदा हमारा ज़रूर हो जाएगा बट लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान ही होगा। क्योंकि हमने जो है थोड़ी सी जो हेल्प करने वाले जो हमारे एजेंट्स थे जो मित्र कीट जो कॉर्निवोर्स थे उनको नष्ट कर दिया तो ये रिसर्जेंस के माध्यम से फिर ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देंगे। रिसर्जेंस का मतलब समझते होगे आप कि जो बचे हुए इंसेक्ट्स हैं वो अपने लाइफ के अंदर चेंजेस ला के और अपनी रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग और जो है एगलिंग वगैरह स्पीडली बढ़ा देते तुरंत, फिर उससे भी ज़्यादा संख्या में कम समय में उससे ज़्यादा संख्या में आपको जो फील्ड में दिखाई देंगे। यदि वो ये उनको खाने के लिए ये भी वहाँ पर उपलब्ध रहते तो फिर उनकी संख्या वो नहीं बढ़ने देते, उनको उसको चेक कंट्रोल में रखते। तो इसलिए हमारी जो है ये सारी चीज़ें जो ध्यान में रखते हुए हमें जो मैनेजमेंट का डिसीजन रखना चाहिए। इसलिए हमारे लिए जो ये शीशा एक्टिविटी का जो नाम दिया था हमने पोर्टन इको सिस्टम एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है। तो इसके बारे में कोई भी जो है आपको किसी साथी को जो कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।